हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने परम्यूटेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6 लेक्चर में कॉम्बिनेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉम्बिनेशन होता क्या है, हमें कॉम्बिनेशन को पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव 3 प्लेयर्स ए बी एंड सी। हमारे पास 3 प्लेयर हैं ए बी सी, ठीक है। देन तीनों प्लेयर्स में से आपको दो दो प्लेयर सेलेक्ट करके उनकी टीम बनानी है। जैसे दो दो प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, ए बी फर्स्ट टीम बन गई, सेकेंड टीम इज बी सी एंड थर्ड टीम इज सी। तो हमारे पास 3 प्लेयर गिवन थे, ए बी एंड सी। 3 प्लेयर्स में से हमने कहा कि हम दो दो प्लेयर्स को सेलेक्ट करके टीम बनाएंगे, तो यहाँ पे कितने टीम बनेंगी देखिए, फर्स्ट टीम, सेकंड या फिर थर्ड, 3 टीम हमारे पास बन गई 3 प्लेयर्स में, जिसमें हमने दो दो प्लेयर लिए। यहाँ पे आप ए बी या फिर बी ए, ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करेगा, बी सी लो या फिर सी बी लो, क्योंकि प्लेयर हमारे पास बी और सी ही आने चाहिए इस टीम में। और यहाँ पे या तो सी ए लो या फिर ए सी लो, सेम चीज़ है ये वाले, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टीम बनी, 3 टीम बनी। देन हमने क्या करा, 3 प्लेयर्स में से सेलेक्ट किए थे, देन हम इसको क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लेयर्स ए बी एंड सी ऑफ टीम, लिख लीजिए यहाँ पर टीम ऑफ 3 प्लेयर्स ए बी सी, ए बी सी की जो प्लेयर्स के हम टीम बना रहे हैं, टेकन 2 प्लेयर्स इन ईच टीम, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हर एक 3 प्लेयर्स के ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि ए बी सी में से हम दो दो की टीम कितनी बना सकते हैं। ये जो हमने सिलेक्शन किया है ए बी बी सी और सी ए, इसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बने, 3, 1, 2 एंड 3, दो दो प्लेयर्स की टीम ली हमने, हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अब ये जो प्लेयर हैं ये आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, देखिए ए बी या फिर हम इसको बी ए लिख सकते हैं। तो इस टीम ने खुद को कितने तरीके से आपको अरेंज किया है, यहाँ पे टू वेज में। यहाँ पे देखेंगे बी सी या फिर सी बी लिखें, सेकंड टीम भी आप अपने आप को कितने तरीके से जो है अरेंज कर रही है टू वेज में, सेम टू सेम थर्ड टीम इज ऑल्सो टू वेज में अरेंज कर सकते हैं, सी ए या फिर ए सी, ठीक है। देन अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, परम्यूटेशन क्या था, परम्यूटेशन इसको हम बोलते थे अरेंजमेंट, यानी इसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी अरेंजमेंट करते थे, ओके। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन या फिर इसको बोलो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप में से आपको सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे हमने एक ग्रुप था 3 प्लेयर का, इसमें से हमने दो दो प्लेयर की टीम सिलेक्ट करनी थी, तो दो दो प्लेयर को सिलेक्ट किया हमने, 3 में से पहले ए बी की टीम बनाई, फिर बी सी की टीम बनाई, फिर सी ए की टीम बनाई, इसलिए हमने दो दो को सिलेक्ट करके जो आपके पास कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। तो इसी सिलेक्शन को या इसी आपके पास जो है हर एक बार जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन बना रहे हो, यही आपके पास मेन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर आपके पास परम्यूटेशन निकालनी पड़े, यहाँ से परम्यूटेशन ऑफ 3 प्लेयर्स टेकन 2 एट ए टाइम, कैसे फाइंड आउट करते थे हम, 3P2, 3 में से हमने 2 प्लेयर लिए, ठीक है। दिस इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इज अ 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल होता है, सो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं,
कॉम्बिनेशन, यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या बना, हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन बन गए, यहाँ से तीन सिलेक्शन हो गए। और हम कह रहे हैं कि हर एक टीम खुद को जो हो टू वेज में अरेंज कर रही है, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन इसकी अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अरेंजमेंट ऑफ प्लेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ थ्री प्लेयर्स टेकन टू इन टीम एट ए टाइम। अगर एक टाइम में टीम में हम दो प्लेयर लेते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, कॉम्बिनेशन को जब भी हम लेके चलते हैं, हम इसको लेके चलते हैं एन सी आर में, मतलब यहाँ पे आपके पास थ्री प्लेयर थे तो थ्री सी, सी से कॉम्बिनेशन, और कितने कितने के कितने कितने प्लेयर्स की टीम बनानी है, टू टू प्लेयर की, तो दो हमें सेलेक्ट करने, तो थ्री सी टू, तो ये आ जाएगा थ्री सी टू इंटू इंटू क्या बचा कि प्लेयर भी अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट निकाल रहे हैं इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एक टाइप से तो हमने परमुटेशन या अरेंजमेंट फाइंड आउट कर ली हमारी, ये आ रही है, ओके। और सेकंड टाइप से हमने यहाँ पे अरेंजमेंट निकाली थ्री प्लेयर्स की टू जो टीम में दो दो प्लेयर लेके, तो सेकंड हमारे पास ये आ रही है। तो इसको अगर हम लिखेंगे दोनों की अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा थ्री सी टू इंटू टू फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू जो आपने लिया था थ्री पी टू, क्योंकि ये भी हमने अरेंजमेंट की है कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन, दो दो खिलाड़ी जो आपके पास प्लेयर्स हैं उनका सिलेक्शन करके हमने इसकी अरेंजमेंट की है कि आपके पास थ्री सी टू तो बन गया कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन, और टू फैक्टोरियल कि हर एक टीम अपने आप को अरेंज करेगी। और अगर हम सिंपल अरेंजमेंट निकालते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, तो हमने थ्री प्लेयर्स में से टू का सिलेक्शन, अगर सॉरी सिलेक्शन नहीं अरेंजमेंट करते हैं तो थ्री पी टू आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या फॉर्मूला इसका, थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, इधर आपके पास चल रहा है थ्री सी टू इंटू टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल को इधर ले आइए, देन ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा थ्री सी टू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस टू फैक्टोरियल, और ये टू फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस टू फैक्टोरियल और अपॉन टू इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री प्लेयर्स एंड टीम हम बना रहे हैं टू टू प्लेयर्स की, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर हमें एन सी आर में फाइंड आउट करना हो, एन सी आर मतलब अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट आपको एट ए टाइम सेलेक्ट करने हैं, देन आप कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, तो हमारे पास क्या होता है एन सी आर, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे हमने इसको किया था थ्री सी टू, तीन प्लेयर्स में से दो दो प्लेयर्स की टीम बनाई थी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एन सी आर, ठीक है। एंड पी की फॉर्म में कैसे लिखोगे, जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे एग्जांपल में 3c2 into 2 factorial of this 3p2 आ गया था, इसको हम कैसे लिखेंगे एन सी आर, ये तो हमने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r एक टाइम में निकाल के इसका हमने सिलेक्शन कर लिया, कॉम्बिनेशन का मतलब हमने n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स एक टाइम लेके हमने सिलेक्शन किया, और ये जो r नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये अपने आप को भी अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, ये हमने अरेंजमेंट बनाई है किसका यूज़ करके, कॉम्बिनेशन का। तो अरेंजमेंट क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं आर नंबर की अरेंजमेंट करती हूँ वो होती है एन पी आर, तो एन सी आर क्या आ जाएगा यहाँ से एन सी आर, दिस इज इक्वल टू, आप इसको इधर भी ला सकते हो, वन बाय आर फैक्टोरियल एन पी आर, तो ये फॉर्मूले भी आपके यूज़ होंगे
इसको आपको डायरेक्ट यूज करते हैं, याद रखिए। देखिए थ्योरम फर्स्ट है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम गिवन बाय एनसीआर। इसको आपको इस फॉर्मूले में डेरिवेशन, जब इसको फॉर्मूला ओपन करोगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू जीरो से ग्रेटर एंड एन के इक्वल या लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हम आर एक टाइम में सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ये बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ। कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, हमने मान लिया x, हमने कहा कि n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो हमारा x आता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम x कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, हमने तीन प्लेयर लिए थे ए बी एंड सी, और दो दो को सेलेक्ट करके हमने टीम बनाई थी, तो हमारे पास तीन टीम बनी थी दो दो को सेलेक्ट करके, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया था, और जो प्लेयर आए थे वो इटसेल्फ भी अरेंज करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो वो आपके पास बन रहे हैं एक्स कॉम्बिनेशन, ये टोटल आपके पास एक्स कॉम्बिनेशन है, और हर एक कॉम्बिनेशन में हमने क्या लिया है, आर ऑब्जेक्ट्स उठाए हैं। हर एक कॉम्बिनेशन में हमारे पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी आर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड सब में आपके पास आर आर ऑब्जेक्ट्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके पास अगर आर ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लिया 1, 2, 3 अप टू सो ऑन R10, तो इसमें जो आर नंबर हैं वो भी अपने आप को अरेंज करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन R, फिर हमने लिख दिया 2, 3, 1 अप टू सो ऑन R, या फिर हम ये लिख दें कि 1, 3, 2 अप टू सो ऑन R, या फिर R1, 2 अप टू सो ऑन R-1, जिस भी तरह से आप करना चाहो R नंबर अपने आप को अरेंज करेंगे। कितने टाइप से, क्योंकि R के जो R नंबर वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इनकी अरेंजमेंट क्या आएगी, अरेंजमेंट आएगी R फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ईच कॉम्बिनेशन अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स इन आर वेज, और इसमें कितने हो जाएंगे, आर फैक्टोरियल। आर वेज से अगर ये आपके पास अरेंज करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन के पास आर ऑब्जेक्ट है, वो आर तरीके से अरेंज कर सकता है, वो इक्वल आएगा आपके पास आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ईच कॉम्बिनेशन मतलब, अगर मान लिया हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन अरेंज कर रहा है कितने वेज में, आर फैक्टोरियल तरीके से। सेकंड कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं, सेकंड मतलब टू कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ले लीजिए वन कॉम्बिनेशन, दिस इज टू कॉम्बिनेशन, वन कॉम्बिनेशन लिया हमने आर फैक्टोरियल से। अगर हम टू कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आर फैक्टोरियल से तो हमारा एक अरेंज करेगा, अब तो सोन ये आर था, आर फैक्टोरियल इसके हो गए और आर फैक्टोरियल इसके हो गए, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × r फैक्टोरियल। हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन हमने कितने लिए हैं इनके, x लिए हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कि x कॉम्बिनेशन अरेंज r ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से, x इंटू आर फैक्टोरियल, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमारे पास x कॉम्बिनेशन लिए हमने, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सिंपली अरेंजमेंट देखते हैं, हमने निकाला है अरेंजमेंट कितने x कॉम्बिनेशंस की, ठीक है, जहाँ पे r एट ए टाइम लिए, तो ये हमारी आ गई अरेंजमेंट। देन अगर हम अरेंजमेंट निकालते हैं, यानी परमुटेशन निकालते हैं, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एन पी आर, क्योंकि डिफरेंट है आपके पास एन के एन ऑब्जेक्ट्स, तो एन पी आर ये हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी एन ऑब्जेक्ट्स की, आर जो हम एक ही टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द सेकंड।
यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया सिंपल परम्यूटेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास सेम अरेंजमेंट आने चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड x into r factorial, this is equal to n p r, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। x into यहाँ पे कर लेते हैं, x r factorial से डिवाइड कर देंगे इधर, n p r का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n factorial डिवाइड बाय n माइनस r factorial, ठीक है। और r फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो था हमारा n p r, और हम इस इधर जो आपके पास r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में था इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में, ओके। तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स r एट ए टाइम लेते हैं तो कॉम्बिनेशन को कैसे शो करते हो, n ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया हमने r नंबर एक टाइम में लेके। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ से, n c r, n ऑब्जेक्ट्स में से r एट ए टाइम चूज सेलेक्ट करके हमने कॉम्बिनेशन बनाया, और ये हमारा किसके इक्वल आया, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो परम्यूटेशन आप लेते हो इसमें r की वैल्यू क्या होती है, जो सेकंड इक्वेशन हमने लिए यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू n होती है। तो कंडीशन हमारे पास यही शो करनी थी कि एन सी आर आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सेम टू सेम आपके पास यहाँ से आ जाएगा जहाँ पे r की कंडीशन आ जाएगी ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है n ऑब्जेक्ट्स का टेकन r एट ए टाइम, तो आपके पास फॉर्मूला एन सी आर को इस तरह से ओपन करेंगे। एन सी आर का आपके पास फॉर्मूला आया है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें मिल गया। अब आपको चाहिए एन सी एन, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ से आर की वैल्यू एन रख देंगे इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से एन सी एन फाइंड आउट करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन, आर की जगह पर हमें एन रखना है एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, क्योंकि हमने आर की जगह पर n रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n इज जीरो फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, इसे कैंसिल, और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, तो आंसर आ गया वन। तो n सी n की वैल्यू क्या होती है वन होती है, ये डायरेक्ट याद रखनी है आपको। n सी जीरो की अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इस फॉर्मूले में r की वैल्यू जीरो रखिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस जीरो मतलब n फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, कैंसिल, दिस इज वन। तो n c जीरो भी वन होता है, n c n भी वन होता है। n c n माइनस आर इसकी वैल्यू निकालते हैं n फैक्टोरियल, n में से हम ये माइनस करेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं n मल्टीप्लाई n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे r के प्लेस पे हमारे पास क्या गिवन है n माइनस आर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा प्लस r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ से क्या, यहाँ इसको लिख लेते हैं n माइनस r फैक्टोरियल, और इस टर्म में से क्या बचेगा r फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा r फैक्टोरियल, और ये किसका फॉर्मूला है सेम टर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एन सी आर का, एन सी आर। तो आपके पास क्या आया यहाँ से रिजल्ट निकल के, एन सी आर एन माइनस आर, एन माइनस आर दिस इज इक्वल टू इक्वल होता है एन सी आर के, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूलाज डायरेक्ट भी याद करने और सॉल्व भी करने आने चाहिए, ओके। अगर आपके पास एन सी ए इक्वल टू एन सी बी हो जाता है, एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, यानी दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब आते हैं, या तो इक्वल टू बी होगा, अगर मैं इसी पे अप्लाई कर देती हूँ ये वाला फॉर्मूला, मीन्स यहाँ पे मेरे पास n माइनस आर की जगह पे क्या है, देखो n में से हमने r सब्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एन सी आर, अभी हमने यहाँ पे कहा कि एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन सी बी इक्वल होगा एन सी एन माइनस बी के, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एन से बी पे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने लिखा
एन सी ए इक्वल एन सी बी इम्प्लाइज दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन सी ए इक्वल एन सी बी, और इसको मैंने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एन सी एन माइनस बी के. ठीक है, दो कॉम्बिनेशन इक्वल कब होते हैं, जब इसके इंडेक्स इक्वल आ जाते हैं, आर की वैल्यू इक्वल आ जाती है. ओके, यहाँ से इक्वल एंड ये इक्वल टू दिस, हमने उठा लिया यहाँ से एन सी ए इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल गिवन है और ये इसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. दैट मीन्स एन सी ए इक्वल हो जाएगा एन सी एन माइनस बी के. ओके, देन यहाँ से दो कॉम्बिनेशन इक्वल, तो टू कॉम्बिनेशन इक्वल कब होते हैं, जब a इज इक्वल टू एन माइनस बी हो जाएगा. b को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू एन. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. तो एन सी ए इक्वल एन सी बी कब पॉसिबल होता है, a इक्वल टू बी हो या फिर a प्लस बी इक्वल टू एन आ जाए, a प्लस बी इक्वल टू एन के इक्वल आ जाए. n एंड r आर नेचुरल नंबर, ये आपके पास n और r नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, सच दैट r की वैल्यू 1 और n के बीच में लाई करेगी या फिर 1 और n भी हो सकती है. देन आपको प्रूव करना है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 एन प्लस 1 सी आर के इक्वल होगा. ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं इसकी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r माइनस 1 करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस करेंगे तो, एंड मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल. हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन किया सिंपल. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं. देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक कर देती हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, r को ब्रेक किया r इंटू r माइनस 1 में, देन प्लस इधर से मैंने ब्रेक कर लिया n फैक्टोरियल एज इट इज़, इसको ब्रेक कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म तो यही आएगी n माइनस r प्लस 1, इसमें से फिर 1 माइनस करते हैं हम, जैसे ही नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो n माइनस r माइनस 1 करेंगे 1 से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल रह जाएगा. ठीक है, इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल हमारा ये चल रहा है. ओके, अब हम देखते हैं दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलता है. n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाय n माइनस r, n माइनस r दोनों में कॉमन आ रहा है, n माइनस r फैक्टोरियल, r माइनस 1 आर माइनस 1 ये भी कॉमन आ रहा है. देखिए यहाँ पे लेफ्ट कह रहा है एन फैक्टोरियल बाहर आ गया, एन माइनस आर हमने कॉमन ले लिया, एन माइनस 1 कॉमन ले लिया, दिस इज 1 बाय आर. यहाँ पे एन फैक्टोरियल कॉमन, एन माइनस आर कॉमन, आर माइनस 1 कॉमन, दिस इज 1 बाय एन माइनस आर प्लस 1. ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हमारा कॉमन पोर्शन चल रहा है और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा, r इंटू n माइनस r प्लस 1, ये एलसीएम हो गया. देन ये टर्म इधर चली जाएगी n माइनस r प्लस 1 एंड प्लस r, r से r कैंसिल, इम्प्लाइज दैट n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, यहाँ पे टर्म बची n प्लस 1, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचा r इंटू n माइनस r प्लस 1. ठीक है, चलिए अब हमें इनको इकट्ठा करना है. इसको मैंने लिखा मल्टीप्लाई में है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल और r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल. इन टर्म्स को मैंने इकट्ठा ले लिया क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हैं. ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारे पास बन गया n प्लस
वन फैक्टोरियल, क्योंकि अगर मैं इसकी एक टर्म ओपन करती हूँ तो n प्लस वन और आगे वन माइनस करेंगे तो बचेगा n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय, ये आपके पास क्या बना, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर। अगर मैं इसमें एक ऐड कर देती हूँ n माइनस आर प्लस वन, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, समझ गए। ये क्या बनेगा, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो r फैक्टोरियल। देखिए इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो n माइनस आर प्लस वन एज इट इज़, फिर हम वन माइनस करते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए तो बचेगा r n माइनस आर और उसके आगे हम फैक्टोरियल लगा देते हैं। सेम टू सेम r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो r फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज, चलिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, ये आपके पास राइट हैंड साइड दे रखी है n प्लस वन सी आर, इसको रफ कर देते हैं, इसको ओपन कीजिए n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन, इसमें से हम r को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस वन है, माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इसको मैंने लिखा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। देखिए ये हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन हम कहाँ से लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड की आंसर हमारा ये आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, देखिए क्या बन रहा है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, n और n सेम है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पे r और r माइनस वन में जो ग्रेटर नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5c2 प्लस 5c3 तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 5 प्लस 1 c और इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 3, तो ये आ जाएगा 6c3, तो इसकी वैल्यू 63 आ जाएगी, तो इसको आपको इस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट थ्योरम गिवन है, एन सी आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर की वैल्यू 1 टू एन लाइन कर रही है, देन एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर के, यानी कि ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन अगर करते हैं तो एन माइनस आर प्लस वन बाई आर आंसर आएगा। प्रूफ कैसे कर रहे हैं, एन सी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको ओपन कर लेते हैं, एन सी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन सी आर माइनस वन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, n में से r माइनस वन माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इंटू आर माइनस वन, इंडेक्स इसका है r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड में होता है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, दिस इज, देन इसको ओपन करेंगे n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल को हमने लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 में से 1 माइनस किया, सेम टू सेम इसको ओपन करेंगे तो r माइनस वन प्लस वन, इसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो एक टर्म तो एज इट इज आती है, जैसे हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं सेम टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को मैंने लिखा आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, कैंसिल, दिस इज कैंसिल, ये आपके पास आंसर आ गया एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय आर। तो यही आपको सॉल्व करना था, इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आपके पास आ जाता है 5c2 डिवाइड बाय 5c1, 2 से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, हमने यहाँ पे लिया r, यहाँ पे लिया r माइनस वन, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका, हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, n की वैल्यू यहाँ पे है 5 एन सी आर, ठीक है, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, क्यों, क्योंकि 1 को हमने लिखा 2 माइनस 1, अगर 2 माइनस 1 करेंगे तो ये रहेगा 5c1, ठीक है, देन फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 5 माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज 6 माइनस 2 इज़ 4 बाय 2 आंसर आ गया इसका 2।
लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना है एन ऑब्जेक्ट में से आर एट ए टाइम लेके, बट उस पर एक रेस्ट्रिक्शन मिलेगी, उस पर कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। जैसे फर्स्ट हमने लिया कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन एक्स पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर। हमने कहा कि एन थिंग्स का आर थिंग्स एट ए टाइम लेके आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, बट उसमें से एक्स जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो ऑलवेज अकर होने चाहिए, वो हमेशा आने चाहिए। तो यहाँ पे एक्स नंबर जो आपके पास वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम परम्यूटेशन में फिक्स करते थे सेम टू सेम कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से आपके पास एन एक्स तो आपके पास फिक्स हो गई, तो एन में से एक्स फिक्स कर दिया हमने, एन माइनस एक्स नंबर बचे, टोटल थे एन। और एक्स अगर आपके पास पर्टिकुलर थिंग्स हैं तो लेफ्ट आपके पास बच गए n माइनस एक्स। कॉम्बिनेशन हम n का कैसे बनाते थे, n थिंग्स का r एट ए टाइम लेके n से r बनता था। हमने कहा कि x हमारे पर्टिकुलर है तो n में से हमने x माइनस कर दिया, c कॉम्बिनेशन बनाया हमने। देन हमारे पास लेने कितने हैं r, और r में से हम x पहले ही पर्टिकुलर थिंग्स ले चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ से बन जाएगा लेफ्ट बचेंगे r माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आ गया एन सी एन माइनस एक्स सी आर माइनस एक्स। कब, जब n थिंग्स को r एट ए टाइम लेके कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और x पर्टिकुलर थिंग्स है, ठीक है। सेकेंड में हम क्या कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं n थिंग्स का r एट ए टाइम, बट जो x पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो कभी भी अकर नहीं होने चाहिए, मतलब वो इसमें आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक्स जो आपके पास थिंग्स रहेंगी वो कभी नहीं आएंगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एन सी आर का मतलब होता है कि हम आर थिंग्स को यहाँ पे अकर करवा रहे हैं, आर थिंग्स का ही तो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एन में से आर थिंग्स उठा के। तो हमने कहा कि एक्स जो आपके पास नंबर है वो आने ही नहीं चाहिए, देन हमारे पास एन में से तो बाकी रह जाएंगे एन माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारे पास आएंगे ही नहीं, सी यहाँ पे आपके पास आर। क्यों, क्योंकि थिंग्स तो हमें आर ही लेनी है, एन में से लेने तो हमें आ रही हैं, बट हमने कहा कि x पर्टिकुलर थिंग्स उसमें अकर नहीं होंगे, तो टोटल में से x निकाल देंगे, जितने बच जाएंगे उसमें से r थिंग्स का कॉम्बिनेशन बना देंगे, समझ गए। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें तो वो चीज़ अकर होगी जो आप निकाल रहे हो, जितने भी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें भी लिया जाएगा, और टोटल में से भी एक्स पर्टिकुलर है तो उसमें से भी निकाल देंगे। बट यहाँ पे हमने कहा कि जो एक्स पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो कभी भी अकर नहीं होंगी, मतलब वो कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगी, तो टोटल में से हम एक्स माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आर थिंग्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे आर आपके पास एज इट इज़ रहेगा। एंड ये आपके पास थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले, डेरिवेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.4। तब तक के लिए ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।